ऐसी प्यारी मछली आपने आज तक नहीं देखी होगी। दरअसल इसे ब्लू पैरेट फिश कहा जाता है, जिसकी पूरी बॉडी ब्लू कलर की होती है और ये मछली बहुत ही ज्यादा रेयर है, जो कि IUCN की रेड लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज में आती है। इसे देखना बहुत ही मुश्किल होता है। ये है वोबेगोंग शार्क और इसका तो कलर ही देखकर आप समझ सकते हैं कि आसानी से देखने को नहीं मिलती, क्योंकि ये चट्टानों के बीच में छिप जाती है। इसकी पूंछ और इसका फ्लैट बॉडी स्ट्रक्चर इसे बाकी शार्क से अलग बनाता है। क्या आप जानते हैं कि बाहर के देशों में जब गाय भैंसों के सींग गंदे हो जाते हैं तो उन्हें साफ करने के लिए अस्तबल में इस तरह की मशीन लगाई जाती है, जो उनके सींगों को खुद ब खुद साफ कर देती है और साथ ही उनके सिर की मालिश भी हो जाती है। इसे द डेड लीफ बटरफ्लाई कहा जाता है, क्योंकि ये बाहर से देखने में बिल्कुल किसी सूखे पत्ते की तरह लगती है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि बिल्लियां कितनी ज्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं। देखो कैसे ये मोटी बिल्ली इतने छोटे से होल के अंदर चली जाती है, पर आखिर में इसकी बॉडी अटक जाती है और ये बहुत कोशिश करने के बाद भी अंदर नहीं जा पाती। तभी ये बंदा बिल्ली को ऐसी जगह पर टच कर देता है कि उसे अंदर जाना ही पड़ता है। कई लोगों को ये जेली जैसे दिखने वाले मेंढक के अंडे बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, जिन्हें वो उठाकर अपने घर ले जाते हैं और एक्वेरियम में छोड़ देते हैं।